क्या बात है, मतलब इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है क्योंकि लेजेंड ऑफ मौला जट आखिरकार रिलीज़ होने जा रही है। अब कब होने जा रही है, किस टाइम पे होने जा रही है, ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर लो, क्योंकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उससे मिलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में। आखिरकार रिलीज़ डेट इसके सामने आ गई है, जो कि है 30 सितंबर, और आई होप कि इसका सेकेंड ट्रेलर भी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो लोग ये भी पूछ रहे थे कि इस फिल्म को बैन क्यों कर दिया गया था और अब तक ये फिल्म इतने टाइम के बाद आखिर रिलीज क्यों हो रही है, इसका क्या मसला था, इस बारे में भी आपको बता देता हूं। तो बात ऐसी है कि अगर आप लोग अब भी लंदन नहीं जाओगे को पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी समझते हो तो फिर वो बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान की अब तक की सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है वो यही लेजेंड ऑफ मौला जट है, जिसका बजट तकरीबन 90 करोड़ के भी करीब बताया जा रहा है। तो अब ये चीज़ तो मूवी देख के ही पता चलेगा कि ये सच है या नहीं। तो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की कोई भी फिल्म 60 करोड़ से तो ऊपर कमाती नहीं है, मतलब जवानी फिर नहीं आने ने अब तक 61 करोड़ ही कमाए हैं, तो इस फिल्म के ऊपर इतना बड़ा बजट लगा के इतना रिस्क क्यों लिया जा रहा है। तो फिलहाल तो ये बजट इतना कोई कन्फर्म नहीं है, और अगर कन्फर्म भी हो तो फिर इस फिल्म की सबसे मेन चीज़ ये है कि इस फिल्म को चाइना में भी रिलीज़ किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस फिल्म को इंग्लिश में भी डब किया जाएगा और डबिंग करके ही इसको चाइना में रिलीज़ किया जाएगा। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि बॉक्स ऑफिस के मामले में चाइना इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है। आप लोग ये सोच लो कि जस्टिस लीग डीसी की मूवी, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, वो भी अगर अपना बजट कवर कर पाई थी वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के ही बॉक्स ऑफिस से कवर कर पाई थी। और हर कंट्री काफ़ी कोशिश करती है कि वो अपनी फिल्म को चाइना में रिलीज़ करे किसी तरह, और लेजेंड ऑफ मौला जट ये काम करेगी। तो आपको बताता चलूँ कि ये फिल्म 2019 में रिलीज़ होने वाली थी, 2019 की ईद उल फितर में, लेकिन रिलीज़ से पहले ही सेंसर बोर्ड ने इस पर बैन लगा दिया इसके कुछ सीन्स को लेकर, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखे होंगे इसके। लेकिन किसी तरह से ये फिल्म कैसी से निकल आई और रिलीज़ होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिल्म मेकर इस फिल्म के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो फेस्टिवल के ऊपर ही इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहते थे, जो कि ईद फेस्टिवल ही था। तो अगर इस फिल्म को ईद उल अज़हा को रिलीज़ करते तो उस टाइम पे जमाने फिरे नहीं आने टू, लोड वेडिंग और परवाज है जुनून जैसी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही थी, तो उसके बीच में शायद इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कुछ असर पड़ सकता था। तो फिल्म मेकर्स ने 2022 की ईद में इसको रिलीज़ करने का फैसला कर लिया, और सभी लोग जानते हैं कि ईद 2020 में क्या हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान तो चलो हॉलीवुड तक अपनी फिल्में रिलीज़ नहीं कर रहा था, सारी फिल्में OTT पर ही आ रही थी, लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन कम हो गई कोरोना की और 2021 में रिलीज़ होना शुरू हो गई मूवी। और नो वे होम आने के बाद पाकिस्तान में भी सिनेमा घरों में बहुत सारी भीड़ मच गई, जो कि देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि अब दोबारा से सिनेमास में आने लगी हैं मूवीज़। और इस ईद में कायदे आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगी की कलेक्शन को देखते हुए ही आई थिंक फिल्म मेकर्स ने ये फैसला किया है कि वो अपनी इस फिल्म को 30 सितंबर में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अगर वो अब भी वेट करते हैं इस फिल्म को अगले साल की ईद में रिलीज़ करने का तो ये बहुत ही लंबा इंतज़ार हो जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि फिल्म मेकर ने इतना लंबा इंतज़ार दोबारा से नहीं करवाया है, तो इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द आने वाला है। हम इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले इस फिल्म की स्टोरी को थोड़ा सा बहुत एनालाइज करेंगे। अगर आपको वो वाली वीडियो भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिल सके, और इस फिल्म के आने के बाद इस फिल्म के रिव्यू भी देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन, बाय।